कुछ लोगों का मानना है कि बाबर आजम स्पिनर्स को नहीं खेल सकते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। लेकिन आज मैं आपको बाबर आजम के चंद ऐसे चक्के दिखाने जा रहा हूँ जो बाबर आजम ने T20 में लगाए, स्पिनर्स के खिलाफ लगाए, और ऐसे वैसे स्पिनर्स नहीं बल्कि तबरेज़ शम्सी और शकीब अल हसन जैसे खतरनाक स्पिनर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बाबर आजम LPL खेलने के लिए श्रीलंका गए हुए हैं और श्रीलंका की पिच ज्यादातर स्लो है और वहाँ पर स्पिनर्स को बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बाबर आजम जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता रोज एक मैच में बाबर आजम ने अफ्रीकी बॉलर शम्सी के बाल पर एक फ्लैट सिक्स चटकाया और यूं अपने चक्कों के सफर का आगाज किया। इसके बाद बाबर ने श्रीलंका स्पिनर अकेला को दो बैक टू बैक चक्के लगाए और एक चौका लगाया। बाबर ने उनके फास्ट बॉलर को भी नहीं छोड़ा और आतोरा को स्ट्रेट पर खूबसूरत चक्का लगाया। आखिर में बाबर ने कदमों का इस्तेमाल किया और शकीब अल हसन के एक गेंद को स्टैंड से बाहर भेज दिया। दोस्तों एशिया कप भी करीब आ रहा है और बाबर का यह फॉर्म पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों अगर आप एशिया कप और वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।